वेलकम दोस्तों, एक्सेल की क्लास में आपका स्वागत है। मैं मोहित लूथरा आज आपको एक्सेल के इंसर्ट मेनू के बारे में बताने वाला हूं। इंसर्ट मेनू में एक बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आने वाला ऑप्शन है और इंटरेस्टिंग ऑप्शन भी है, वो है आपका पिक्चर। तो इस ऑप्शन से हम एक्सेल में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और उस पर अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स हम लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस ऑप्शन को कैसे हम यूज़ में ले सकते हैं। तो इसके लिए एक्सेल में आपको इंसर्ट पे जाना है और पिक्चर पे क्लिक करना है। ऐसा करने से एक डायलॉग बॉक्स सामने आएगा। आपको इस डायलॉग बॉक्स की सहायता से आपके कंप्यूटर में जो पिक्चर्स हैं, किसी भी एक पिक्चर को आपको इंसर्ट करना है। तो ये देखिए, मैं ये पिक्चर इंसर्ट कर चुका हूँ। इसको आप कॉर्नर से यहाँ से ऐसे ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं, पिक्चर काफ़ी बड़ी है तो इस तरह से कॉर्नर से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ भी और जो इसमें पॉइंट बने हुए हैं, इनसे भी आप इसका साइज है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। वेड्थ है, हाइट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा आप चाहें। ग्रीन कलर के पॉइंट से आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है जो आपको होम मेनू में पिक्चर ऑप्शन पे पिक्चर लेने पे आते हैं। अब इसके अलावा जैसे ही आप देखो पिक्चर पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे सामने की जो ऑप्शन से बदल रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, अभी देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं टैब आ जाती है पे फॉर्मेट। तो फॉर्मेट पे आपको जाना है। फॉर्मेट में देखिए कई सारे ऑप्शन हैं, इन्हें हमें देखना है एक एक करके। तो इनमें एक ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, इससे पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो हटा सकते हैं। क्लिक कीजिए और जितना एरिया आपका बैकग्राउंड क्लियर करना चाह रहे हैं सेलेक्ट कर लीजिए और आउटसाइड क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए इस पिक्चर का बैकग्राउंड हट जाएगा। तो हम कोई दूसरी पिक्चर ले लेते हैं इसकी जगह, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसमें थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर नहीं है। तो कोई और पिक्चर हम लेते हैं, इंसर्ट पे गए, पिक्चर पे गए, तो कोई हम पिक्चर लेते हैं इसमें बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर हो। तो यहाँ पे मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, ये पिक्चर भी साइज में बड़ी है, थोड़ी छोटी कर लेते हैं हम इसको। तो माउस पॉइंटर की सहायता से हम इसको कॉर्नर से छोटा कर सकते हैं। अब इसका अगर हमें बैकग्राउंड अगर क्लियर करना है तो रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करिए और थोड़ा सा आउटसाइड क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आप देखेंगे पिक्चर में जो भी बैकग्राउंड था वो पिक्चर का बैकग्राउंड वो हट चुका है। तो इससे इस तरह से हम पिक्चर का बैकग्राउंड हटा सकते हैं। पिक्चर को नॉर्मल करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है रीसेट पिक्चर, इस पर क्लिक कीजिए तो ये बैकग्राउंड दोबारा इसका आ जाएगा, यानी पिक्चर नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद की जो ऑप्शन है उसमें एक है यहाँ पर